आप अपनी बहन के इकलौते भाई होते हो ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं पूरी शादी शूट करूंगा, हर एक चीज़ का ब्लॉग बनाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को, लेकिन जाकर भी आप सब कुछ नहीं शूट कर सकते। क्योंकि जब आप अपनी बहन के इकलौते भाई होते हो तो शादी में आपके पास दुनिया भर के काम होते हैं। अगर आप एक भाई हो तो मेरी बात आराम से समझ सकते हो। बट फिर भी गाइस, जितना हो सके मैंने अपनी ओर से एफर्ट्स लगाए हैं और हर चीज़ को शूट करने की कोशिश की है। हमारी दीदी की शादी में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे कभी कुछ हो सकता है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके पिछली वीडियोस देखिए, उसमें हमने सब कुछ दिखाया है। तो पहले जाके वो वीडियोस देखिए, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगी आई बटन में, और फिर आप इस वीडियो कंटिन्यू करिएगा। गाइस, हर बाधा को पार करने के बाद आज फाइनली हमारी दीदी की शादी होने जा रही है, और हम सब लोग हल्दी का प्रोग्राम घर पर कम्प्लीट करने के बाद गार्डन आ चुके हैं दीदी की शादी करने के लिए। तो अब व्लॉग को ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस समय हम आ चुके हैं अब अपने गार्डन में आ चुके हैं जहाँ से शादी होने वाली है हमारी। और अभी बज रहे हैं दोपहर के, कितने बज रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं 4:15 अभी। और अब सब व्यवस्थाएं देखनी है हमें कि कैसा क्या चल रहा है प्रोग्राम। तो ये गार्डन है, ये पीछे मामा जी हमारे खाना खा रहे हैं, देखिए अभी आए हैं लोग। और अभी डेकोरेशन चल रहा है गार्डन में, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मस्ती करता हुआ भैया हमारा, ये अपना स्टेज बना हुआ है, ये स्टेज बनवाया है। ये हमारी कार है जो दीदी गिफ्ट में दे रहे हैं हम लोग। और ये हमारा भैयू, भैयू कहाँ भाग रहे हो? इसके अलावा देखिए अभी तैयारी चल रही है सारी की सारी। अभी यहाँ पर लाइट लग रही है और सारी जो क्रॉकरी है वो आ रही है, यहाँ पे क्रॉकरी लग रही है। देखिए ये क्रॉकरी का स्टॉल लग रहा है, मतलब क्रॉकरी सेट हो रही है स्टॉल्स पे। सारे डिस्पोजल रखे हुए हैं यहाँ पर, और अलग अलग जो डिशेस हैं उनका अलग अलग जगह काउंटर बनेगा हर जगह। तो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं अभी। बारात 7 के आसपास आएगी, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। ये हमारा लैंडमार्क गार्डन है विदिशा का, काफ़ी अच्छा गार्डन है ये। हाय गाइज, ये हमारे मामा जी, देखिए हाय कर दो गाइज एक बार। हाय गाइज, हाउ आर यू डूइंग? नाइस मूछें गाइस, यस एंड नाइस कैप आल्सो, हिमाचली कैप। ये हमारे एक और मामा जी, देखिए पानी पीते हुए शर्माते हुए कैमरे के सामने सानी बच्चे छोड़ूंगा नहीं। तो ये हमारी कार डेकोरेट हो रही है यहाँ पर, देखिए बढ़िया फूल लग रहा है कार में। भैया काम करो, इसको निकाल दो, आ रही है, निकाल दे इसको, अच्छा लग रहा है, ठीक है लग रहा है। गाइस देखिए, अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, और ये लोग अब आ रहे हैं खाना खाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के लोग होते हैं लेकिन धोखा दे देते हैं एंड टाइम पे, उनको दिन भर से बुलाया लेकिन अब आ रहे हैं। और ये देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे, ये थाली उसी की है। कौन सी वाली थाली है ये? थाली 3 इडियट्स वाली थाली है ये, लाल पाल कपड़े पुराने से, तुम जरूर 20 लिए होगे। बैंड सीन लोग शूटिंग कर लें। ये हमारे भाई साहब बेरखेड़ी वाले, भूपेन सिंह बघेल, ये हमारी आशा दीदी, ये हमारे ध्रुव पाउने, तुम भी आओ यूट्यूब पे देख लेना वीडियो। ये हमारे गांव के पंडित जी हैं जो पूजा करेंगे आज हमारी, जो शादी करते हैं वो हैं ये। देखिए किस तरह देख रहे हैं कैमरे में, देखिए ये इन्हें बोलते हैं बिरजू महाराज। डम्बल डोर सर, आपको डम्बल डोर बोल रहा है? डम्बल डोर नहीं, एक पिक्चर है उसमें एक मतलब बड़े होते हैं प्रोफेसर साहब, उसको उनको बोलते हैं। कहाँ भागा जा रहा है? बिल में छुपने जा रहा हूँ। शर्मा क्यों रहा है? शर्मीला सा हूँ थोड़ा। कह रहा शर्मीला सा हूँ थोड़ा। ये शादी का हॉल, ये कुछ रिवाज होते हैं जो यहाँ पूरे किए जा रहे हैं अभी फिलहाल। कोई चिकट वगैरह जो होती है, मतलब अलग अलग जगह रिवाज जो बोला जाता है, तो अभी यहाँ पे चल रही है चिकट, तो उसी का शो चल रहा है यहाँ पे। देखिए अभी आप देख पा रहे हो सामने,
ये देखिए फोटोग्राफी शुरू हो चुकी है, ये हमारे बड़े मामा। बहुत जैसे मैं काम में ही लगा हूँ, एक बार रुका भी नहीं हूँ कहीं, इसकी अरेंजमेंट उसकी अरेंजमेंट, इसका फोन आ रहा है उसका फोन आ रहा है, तो सारे काम में लगे हम लोग फिलहाल, मतलब मैं ही लगा हूँ फिलहाल हम, तो मैंने कोई मैं अकेला हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 9:15 बज रहे हैं, अभी तक रेडी भी नहीं हुआ हूँ। अभी बारात के लोग आए हैं, अब उनका हमने नाश्ता पानी करा दिया है। 200 मीटर दूर यहाँ से जाएंगे वो लोग बारात लगाएंगे अपनी वहाँ से, जब वो बारात दूनी लगाने जाएंगे वहाँ पर तब मैं रेडी होने जाऊँगा यहाँ से। ओके, हम चाहे कितने ही ट्राई कर लें कि हम पूरी शादी शूट करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे सारा, लेकिन नहीं कर पाते यार, बहुत सारे काम होते हैं। कीर्ति रेडी हो रही है, पार्लर पे आई हुई है, ये भैया मेकअप कर रहे हैं इसका, हम यहाँ बस की जैसे शूट कर लें बीच में उसके उसकी बन रहा है। ये तो यही है ना, ये तो यहाँ लग जाएगा ना, ये पीछे ये है ना, बहुत बढ़िया आ रहा है गाड़ी से, से। 9:15 बज चुके हैं, मैं घर पे आया हूँ रेडी होने के लिए, घर पे ताला डला हुआ है, ताला खोल रहा हूँ मैं, गेट खोल रहा हूँ घर का। सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी होने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले मुझे फेस वॉश करना है क्योंकि फेस काफ़ी ख़राब हो गया है, बाल में सेट कराने गया था उसने बाल मेरे ख़राब कर दिए हैं, नहीं ठीक लग रहे हैं यार, आई गेस। ऑल राइट गाइज, सो आई एम ऑल सेट, आई एम रेडी। ऑल राइट गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ, सूट की फिटिंग बेकार कर दी बंदे ने, गुरी टेलर है बदिशा का, उसने बेकार कर दी फिटिंग टेलर की, मतलब ये पैंट बहुत टाइट है मेरे लिए, पैंट बहुत टाइट हो रही है, शर्ट भी बहुत टाइट ही है, बाकी आई एम रेडी, लेट्स अब चलते हैं शादी में। यहाँ शूट चल रहा है दीदी का, यहाँ पे देखिए शूट चल रहा है दीदी का, यहाँ पे बढ़िया रेडी हो चुकी है दीदी हमारी, भैया बस एक मिनट दोगे आप मुझे, दीदी हो चुकी है रेडी, देखिए पोज दे रही है, शूट चल रहा है हमारा, ब्लॉग बन रहा है यूट्यूब का। हम लोग वीडियो कॉल करने वाले हैं भाई कनक बहन को, जो आई नहीं यहाँ पर, बाल अच्छे लग रहे हैं ना, वापस चलते हैं काम पे, बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी, कुछ हम बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी, कुछ भी नहीं किया, जैसे पापा बुला रहे हैं मुझे नीचे, रेडी होने में लग गया मुझे थोड़ा टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं लगाया मैंने, हालांकि जल्दी रेडी हो गया मैं, वापस चलते काम।
शादी हो चुकी है मेरी दीदी की, देखिए मांगों सिंदूर भर चुका है। अब थोड़ी देर बाद होगी विदाई का समारोह, तो उसको शूट करेंगे हम लोग। और ये कोरियन लड़की बस लगती नहीं है, कोरियन देसी कोरियन देसी कोरियन। कीर्ति क्या शादी हो गई तुम्हारी, कैसा लग रहा है शादी करने के बाद? अभी जब जाओगे ना जब फील आएगी। देखिए लास्ट रस्म से देखिए लास्ट रस्म हो रही है यहाँ पर, इसे कुछ मोशियाना रस्म कहते हैं यहाँ पर, ये चल रही है यहाँ अभी। और इस रस्म के बाद में होगी विदाई। पास से देखना दूल्हे को, दूल्हे पास से देखना। यार मैंने देखी दूल्हा अच्छी तरह। अच्छा पास से देख लो। Thank you.
पूछे।